दिल्ली के द्वारका सेक्टर 7 रामपाल चौक पर जिलाधीश कार्यालय दक्षिणी पश्चिमी के द्वारा आज द्वारका सेक्टर 7 की मार्केट में कोविड 19 की तीसरी लहर से बचाव को लेकर मार्केट में सिविल डिफेंस के जवानों के द्वारा दुकानदार व जनता को जागरूक अभियान चलाया और कोविड 19 के बचाव करने को कहा। मीडिया ने अधिकारियों से बात की। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली द्वारका सेक्टर 7। का अभियान है उसका जानना चाहेंगे। जो सिविल डिफेंस के लोग, देखा मैंने कि एक जागरूक अभियान कोरोना महामारी को लेकर चलाएगा और रामपाल चौक पे जो मार्केट के जो लोग हैं वे भी मौजूद हैं। जी, आज जिला प्रशासन दक्षिण पश्चिम की ओर से एक फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के ऊपर थी। और इसमें जो मेन हमारा मकसद था वो ये था कि लोगों को जागरूक किया जाए। पहला कि लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें और जल्द से जल्द वैक्सीनेशन अपना कराएं। वैक्सीनेशन लेकर हम अपने परिवार को सुरक्षित करते हैं, अपने समाज को सुरक्षित करते हैं। और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने से हम लोग जो है, जो आने वाली संभावित तीसरी लहर है उसको हम आने से रोक सकते हैं। यही हमारा मेन इसका उद्देश्य था। और प्रशासन बहुत सख्ती से काम कर रहा है, दुकानदारों के लिए भी, मार्केट एसोसिएशंस के लिए भी हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि अपनी मार्केट्स में भीड़ ना लगने दें और लोगों को मास्क पहनने के लिए, सैनिटाइज़र यूज़ करने के लिए बताते रहें वो लोग भी। सर, सबसे पहले मैं नाम जानना चाहूँगा। राकेश दहिया, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। सर, जो आज का हमने अभियान देखा, जो सिविल डिफेंस के लोग हैं और जो मार्केट में जो मार्च निकाला कोरोना महामारी को लेके, आखिर क्या तीसरी लहर को लेके ये लोगों को जागरूक किया जा रहा है या मार्केट के लोगों को खाली? ये हमारा मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। इसके तहत हम लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं, प्लस लोगों के लिए वैक्सीनेशन से रिलेटेड, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से रिलेटेड, और ये ईद फेस्टिवल आ रहा है उससे, उसको लेकर के भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किसी भी तरह का कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में वायलेशन ना हो। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।